तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम YouTube चैनल टेक्निकल लैंग्वेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो, ये चार कंपनियां जो है अपने नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है। जब जियो हमारे पास नहीं था तब आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ये तीनों ही कंपनियाँ थी। तो फ्रेंड, ये तीनों कंपनियाँ उस समय अपना जो डाटा, आज जो हम जियो की जियो जब से हमारे पास आया है, जब से हम जो है 4G डाटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब जियो नहीं था तब की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, जब हमारे पास जियो नहीं था तो आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल ये हमें 1-1 GB जो है 99 रुपये में मिलती थी। 1 GB के लिए हमें जो है 99 रुपये उनको पे करना पड़ता था, तब जाके हमें जो है 1 GB डाटा उपलब्ध होता था। और वो भी अगर आप एक यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दो तो वो 1 GB पूरी ख़त्म हो जाती थी, और जो हमें 1 GB मिलता था वो केवल 3G नेटवर्क के ऊपर ही मिलता था, जब 4G नहीं था। लेकिन जब से जियो आया है हमें 4G डाटा मिला है, वो भी जियो जब लॉन्चिंग हुआ था तो हमें 1 साल तक जो है डाटा बिल्कुल फ्री मिला था। और जब से जियो ही आया है तब से जो है आइडिया हुआ, वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुई, ये सारी कंपनियां जो है अपनी 4G नेटवर्क का काम कर रही है। और आज वो भी मैं मानूँ कि वो भी फ्री दे रही है, अगर आप उनका भी अगर रिचार्ज करवाते हैं 149 का या फिर जो भी उनका 399 रिचार्ज है, तो वो भी आपको जो जियो की तरह ही दे रही है। लेकिन जियो जब नहीं था तब की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब हमें जो है 99 रुपये में ऐसी जियो जो है डाटा मिलता था। जबकि बात करूँ अगर मैं कॉलिंग की, तो फ्रेंड कॉलिंग वो 72 पैसे मिनट लगती थी आपको, 72 पैसे या 84 पैसे या 60 पैसे, 60 पैसे मिनिमम थे आपको। 1 मिनट अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपको जो है 60 पैसे जो है पे करने पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड, जियो ने जब से IUC चार्ज लागू किया है, जियो ने जब से बोला है कि अगर आप एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन के ऊपर अगर आप कॉल करते हैं जियो की सिम से, तो आपको केवल 6 पैसे चार्ज लगेंगे। तो माना ऐसा हंगामा मच गया कि आपसे कुछ आपकी दौलत मांग लियो या कुछ मांग लियो। मतलब अगर जियो नहीं आता तो आपके लिए वही जो पहले वाला था, अगर वही चीज़ चलती थी तो आपके लिए बहुत सही होता है ना, क्यों? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, जियो खुद नहीं ले रहा है। जियो बोल रहा है कि अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के ऊपर अगर आप कॉलिंग करते हैं तो आपसे जो 6 पैसे चार्ज वो कंपनियाँ लेगी, ना कि जियो ले रहा है। जी दोस्तों, तो घबराए नहीं, जियो छोटी सी आप 10 रुपये रिचार्ज करवा लीजिए फ्रेंड, तो आप मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे आपके आराम से बात हो जाएगी। और अगर आप बात करते हैं किसी से तो वो एक अलग बात है, बट लेकिन अगर मैं बताऊँ, मेरी बताऊँ तो मैं पूरे दिन में एटलीस्ट 50 मिनट भी बात नहीं कर पाता किसी से। मतलब नॉर्मल दोस्तों से फ़ोन करना होता है या फिर रिलेटिव से, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। पहली बात तो मैं एक्चुअली जॉब भी करता हूँ और मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, तो ये बात तो एक अलग है। बट लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉलिंग करते हैं तो जियो ने और भी बेनिफिट दे रखे हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड, अगर आप 10 रुपये का जियो ने जो टॉपअप लगाया है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और उससे ऊपर भी टॉपअप है, अगर आप 10 रुपये का टॉपअप करवाते हैं तो जियो आपको 1 GB फ्री दे रहा है। बताइए, मतलब जब एयरटेल हमें 99 रुपये में 1 GB देता था, वो आज जियो हमें केवल 10 रुपये में देता है, दे रहा है, और वो भी कॉलिंग साथ में है और आपको 1 GB फ्री मिल रही है। 20 रुपये कराते हैं तो 2 GB मिलती है, 50 का कराते हैं तो 5 GB, और 100 का कराते हैं तो आपको 10 GB फ्री मिल रही है टॉपअप करवाने पे। तो बताओ दोस्तों, और क्या चाहिए आपको? और जियो ने एक चीज़ और बोली थी कि अगर आपने जो 10 अक्टूबर से पहले, यानी कि 9 अक्टूबर से पहले पहले जो भी रिचार्ज करवा रखा था, उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन थी वो ऐसे टिस वैसे की वैसी रहेगी। मतलब जो आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाते हैं किसी भी नेटवर्क पे, तो आप वो कॉलिंग कर पाएंगे, जैसा आपका डाटा है वैसे आप वैसा के वैसे आपके पास रहेगा। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से जो है जियो ने अगर ये की लो, अगर ये न्यू जो चीज़ IUC चार्ज लगाया है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हमारे लिए भारी नहीं है। हम 6 पैसे देकर जो है अदर नेटवर्क पर कॉलिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ तो अभी जो है जियो ज़्यादातर सभी के पास होगा, 100 में से कोई 2-3 के पास या फिर 3-4 के पास ही नहीं होगा, बट लेकिन ज़्यादातर जो है अभी जियो ही हैं, क्योंकि जियो आज इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि सभी के पास जियो है, जियो ही। मैं अपने अगर फैमिली मेम्बर की बात करूँ, फ्रेंड सर्किल की बात करूँ, तो सबके पास अधिकतर जियो ही है। तो जियो से जियो तो आपकी कॉलिंग बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर किसी के पास एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन हो तो हो सकता है उस पर आपका 6 पैसा चार्ज लगे, वो भी कब, जब 10 अक्टूबर के बाद अगर आप जियो में रिचार्ज करवाते हैं तो।
उससे पहले अगर आपने रिचार्ज करवा रखा है तो आपकी जैसे कॉल जा रही थी फ्री वैसे ही कॉल जाएगी। तो आई होप आपको ये जानकारी बिल्कुल पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।